बिना मेरा रक्षा बंधन। भाई साहब समर साह के साथ मेनका जी की अस्थियां विसर्जन करने जाएंगे। मेनका जी ने मेरे और भाई साहब के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। भाई साहब को ही उनकी अस्थियां विसर्जित करने जाना चाहिए। हाँ। शिवा तुम मेनका की अस्थियां विसर्जित करने जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर पता नहीं क्यों आज ना मेरा मन सुबह से बेचैन हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलूं प्लीज? नहीं कड़े जी, अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो रसाल बिल्कुल अकेली हो जाएगी। शिवा मैंने तो बचपन से ही समर को पाल पोस कर बड़ा किया है, उस हक से तो मैं रसाल की सास हूँ। मैं रसाल का ख्याल रख सकती हूँ अगर तुम लोग चाहो तो। कड़क जी आप रसाल को एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ेंगे। भाई साहब एक सेकंड रुकिए। भाई साहब हाथ आगे दीजिए। भाई साहब ये रक्षा कवच है, इसे किसी भी हाल में अपने आप से अलग मत होने दीजिएगा। दीपक ज्योति जैसा, ठीक है जैसा तू कहे। कनक जी अपना और हमारी बैंड का ख्याल रखना। मसा काका दिश, आप जरा सोफे की सफाई कीजिए, सारी धूल निकालिए कॉर्नर से। मेरा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? कहीं कोई अनहोनी तो? चंबल नदी में एक आदमखोर मगरमच्छ ने आतंक मचा रखा है, वो समाधि घाट है ना? नारायण जी भाभी साहब क्या बात कर रहे थे समाधि घाटी के बारे में? भाभी साहब वो समाधि घाटी में वहां कुछ गांव वालों ने आदमखोर मगरमच्छ को देखा है, बड़ा आतंक मचा रखा है वहां पर। समाधि घाट पर आदमखोर मगरमच्छ? शिवा क्या हो भाभी साहब, क्या बात हो गई? सर वो चंबल नदी के पास जो समाधि घाट है ना, वहां पर गांव वालों ने आदमखोर मगरमच्छ को देखा है और शिवा भी वहां गया है पूजा करने के लिए। मैं उसको फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ उसके पास। भाभी साहब मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं रसाल, तेरे और तेरे बच्चे की जान खतरे में नहीं डाली। नहीं नहीं भाभी साहब मैं भी चलूंगी। रसाल प्लीज जिद मत कर, तेरे भाई साहब होते तो वो भी यही बोलते ना। तू बस यहाँ बैठ कर प्रार्थना कर कोई अनहोनी ना हो, ठीक है? मैं देखती हूँ। महाशिवी महातुरा काल रात्रि शत्रु संतन हारिणी